नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। लखनऊ दौरे पर हैं प्रियंका गांधी और वहां पर उनके काफिले को रोक दिया गया है। ये गहमा गहमी जो आप देख रहे हैं, दरअसल लखनऊ से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर प्रियंका गांधी के काफिले को रोका गया। प्रियंका जी जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि आप लोग आगे आगे नहीं जाने दे रहे हैं? रोक रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के तो ये तस्वीरें लखनऊ की हैं जहां पर प्रियंका गांधी के काफिले को जब रोका गया, उसके बाद गहमा गहमी और हंगामा। कुमार अभिषेक में सहयोगी जुड़ गए हैं। कुमार, क्या कुछ हुआ, काफिले को क्यों रोका गया? देखिए, प्रियंका गांधी आगरा के लिए निकली थी। जिस सफाई कर्मी की मौत हुई है, पुलिस हिरासत में, उस परिवार से मिलने जा रही थी। लेकिन जो एंट्री प्वाइंट है एक्सप्रेस वे का, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे का एंट्री प्वाइंट है, वहीं पर उन्हें रोका गया है। और जिसके बाद वहां पर पुलिस से झड़प हुई है और कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन लोगों की झड़प हुई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके कपड़े फटे हुए हैं। तो जिस तरीके से लखीमपुर जाते वक्त प्रियंका गांधी को रोकने की कोशिश हुई थी, ये कोशिश आगरा जाते वक्त भी दिखाई दे रही है। और इस बीच हमने तस्वीरों में देखा कुमार अभिषेक, किस तरीके से बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे जो कि पुलिस वालों से भिड़ रहे थे। कितनी देर तक ये सब कुछ चलता रहा? क्या अभी भी वहीं पर प्रियंका गांधी की गाड़ी मौजूद है या आगे की ओर बढ़ निकलने में कामयाब रही है? नहीं, अब से कुछ देर पहले तक उनको रोका गया है। फिलहाल अभी पुलिस ने उन्हें रोक रखा है। 3:30 बजे का उनका कार्यक्रम आगरा तक पहुंचने का है, उस परिवार से मिलने का है। और लगातार प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया है सरकार के खिलाफ कि आखिर आज के दिन, जिस दिन आज ऋषि वाल्मीकि का की जयंती का दिन है, और आज ही के दिन पुलिस हिरासत में एक दलित समाज के शख्स की मौत होती है और वो जाना चाहती हैं और उन्हें रोका जा रहा है। तो कुल मिलाकर हाई वोल्टेज ड्रामा है इस वक्त। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे का प्वाइंट है और वहीं पर ये चीजें हुई हैं। और जिस तरीके से आप कुमार जानकारी दे रहे हैं, ऐसा ही कुछ हमने तस्वीरों के जरिए लखीमपुर मामले में भी देखा था। तब भी उनके काफिले को रोका गया था, उनकी जमानत हुई थी, 2 से 3 दिन तक वो एक गेस्ट हाउस में ही सीमित रही थी। ऐसा कुछ आज भी उन्हें क्या आसार हैं क्या कुमार? देखिए, निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी हर उस जगह पर तुरंत पहुंचने की कोशिश करती हैं जहां पर कुछ ऐसा कांड हो रहा है। आप चाहे हाथरस को देख लीजिए, अलीगढ़ देख लीजिए, इसके बाद लखीमपुर खीरी कांड हुआ और वो तुरंत दिल्ली से आई और वहां के निकली। आज वो लखनऊ में थी और जैसे ही पता चला कि आगरा में एक दलित समाज के युवक की पुलिस हिरासत में मौत हुई है। कार्यक्रम के अनुसार